कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं बहुत एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो पूजा पाठ मेरी सब हो चुकी है और आज है भैया का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे भैया। मैं ना थोड़ी ना ज़्यादा बोलती हूँ, कंट्रोल नहीं होता मेरे मुँह से ना थोड़ा सा, तो इसलिए कुछ भी बोल देती हूँ तो भैया नाराज़ हो जाते हैं मुझसे, तो सो सॉरी उसके लिए। एंड आज हम भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। भैया को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है? तो मैं देती हूँ छोटा सा सरप्राइज, जितना हो चुकेगा मेरे से हो चुकेगा, आई मीन जो भी हो, है ना, जितना कर सकती हूँ करूँगी, ठीक है? तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। वैसे तो हम लोगों ने बोला, वैसे तो हमें जाना ही है मतलब शॉपिंग करने के लिए दुकान की अपनी, तो उसके साथ साथ मैं भैया के लिए लेके आऊँगी, देखते हैं क्या लेके आते हैं। और थोड़ा छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया मैं हुआ, तो वो करती हूँ, ठीक है? तो चलते हैं मार्केट, उसके बाद आपसे मिलती हूँ आके, क्योंकि ना ट्रैफिक में मेरे से वीडियो शूट नहीं की जाती यार, बहुत ट्रैफिक होता है और ना एकदम किचपे से लगा रहता है, और फिर एक तो फ़ोन का डर होता है, तो इसलिए मैं ना रोड पर फ़ोन यूज़ नहीं करती। सो इसके लिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखाऊँगी, ठीक है? तो अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे मार्केट करने के बाद, ठीक है? बाय। तो हम लोग आ गए लेके, तो और ये मैंने की है तो छोटी सी डेकोरेशन अर्जेंट में, बिल्कुल अभी अभी करके हटी हूँ, है ना। यहाँ पे मम्मी की बातें चल रही है मामा से, सब कुछ एकदम रेडी हो गया पूरा, बस भैया को लाना है, फिर केक काटना है, और केक हमारा रखा है फ्रिज में, देखो ये है हमारा केक, ये मैंने बनवाया दिल शेप में, अर्जेंट में बनवा के लाई थी ना, अच्छा लग रहा है ना, छोटा इसे लाया क्योंकि ना कोई है नहीं खाने वाला, इतना मेरे फास्ट चल रहे हैं, तो मम्मी ने बोला कि छोटा सा ही लेंगे, फिर खाएगा कौन, खाने वाले भी तो होने चाहिए ना। ये नाइफ इसके साथ आई है, तो चलो भैया का वेट करते हैं, भैया आएंगे उसके बाद देखते हैं भैया का रिएक्शन क्या होता है, भैया को वैसे तो कुछ पता नहीं है। फाइनल सब कुछ हो गया रेडी, तो भैया अब ऊपर आ रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, तो यहाँ लाइट वगैरह मैं सब बंद कर देती हूँ, उसके बाद उनको सरप्राइज़ देते हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। Happy birthday.
लेकिन नहीं फिर भी ये वाली सही है। हाँ वो इन्होंने देरी कर दी केक काटने में, ठंडा केक है तो हमने फ्रिज में रखा हुआ था। पापा बुलाए नहीं ना, पापा आए नहीं थे तो केक तो खा ला के अब इधर रसो में लाओ ना। आओ ना पापा दो मिनट के लिए, नहीं तो क्या हुआ, फोटो वीडियो बना जो आ जाएंगे। नहीं आ रहे मेरा बर्थ है उसे ना पूछ, ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ जो पहले पापा देखे ले तू भी खा ले मेरा बर्थ है। क्या नहीं पता था ये हमारा सरप्राइज था। जा रहे हैं पापा को खिलाने, पापा टॉवल में तो इसलिए ऊपर नहीं आ रहे। अब भाभी गई हैं खाना निकालने, सब खाना पीना खाएंगे। तो ये हमारा केक था बट मैं नहीं खा सकती इसको। और ये हमारी डेकोरेशन की हुई ऐसी की तैसी। हाँ तो बर्थडे हो गया हमारा सेलिब्रेट छोटा सा अच्छा सा। और ये लेके आए पापा पेठा मेरे लिए, तो हम लोग ये खा रहे हैं। हम लोग क्या, मैं खा रही हूँ, बाकी सब खाना खाएंगे, इतना बड़ा है। वैसे तो मैं मीठा नहीं खाती हूँ लेकिन पापा ले आए तो खाना तो पड़ेगा, नहीं तो पापा डांट लगाएंगे फिर मुझको। और वैसे भी मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से सुबह चाय पी थी दो बार, बट में यही होता है दो तीन बार चाय तो मेरी खूब चलती है और नींद बहुत गजब की आती है मुझे तो भाई। तो अब चलते हैं हम लोग खा पी के सोने, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना। अभी के लिए बाय बाय।